जिला प्रशासन व कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के संयुक्त तत्वावधान में गौठान ग्राम राखी विकासखंड साजा में केला तना रेशा से निर्मित हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पाद निर्माण विषय पर 29 अप्रैल से 13 मई तक आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर शुक्रवार को प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक के ग्राम पंचायत राखी में बीते 20 जनवरी से केले के तने के रेशे से विभिन्न प्रकार की घरेलू उपयोग में आने वाली उत्पाद बनाने की कला को उत्तर प्रदेश से पहुंचे प्रशिक्षित टीम द्वारा स्थानीय महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ केले के तने से बने पूजा की चटाई, फूलदान, पर्स, टिफिन बॉक्स सहित कई प्रकार की वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। समापन अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे यहां पर पहुंचे एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए केले के रेशे से बने उत्पादों का अवलोकन भी किया एवं इसके लिए महिला स्व सहायता समूह एवं कृषि विभाग के पूरी टीम को बधाइयां भी दी। इस अवसर पर इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वाइस चांसलर श्री चंदेल, कलेक्टर बेमेतरा एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, सीओ बेमेतरा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बंसी पटेल मुख्य रूप से शामिल रहे। शामिल अतिथि के रूप में कृषि मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो गौठान का कार्यक्रम चल रहा है, गोधन न्याय मिशन का कार्यक्रम चल रहा है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को रोजगार की प्रेरणा लगातार दिया जा रहा है। सौभाग्य है कि राखी में हमारे केवीके के हमारे साथियों के द्वारा और विशेष रूप से वाइस चांसलर साहब आए हैं, यूनिवर्सिटी से रंजीत राजपूत जी आए हैं, सबने मिलकर केले के रेशे से किस कितने प्रकार के नए चीज़ बनाए जा सकते हैं वो हम लोगों ने आज यहाँ देखा। और सौभाग्य ये है कि अब दूसरे गौठान की भी महिलाओं को राखी के महिलाओं के साथ ट्रेनिंग दिए, ट्रेन करने के लिए वेस्ट बंगाल से कारीगर आए हुए हैं और उनके हाथों का हुनर हमने देखा। आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र में और पूरे बेमेतरा ज़िले में इसका विस्तार करेंगे और आज राखी के इस प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर आने का मुझे अवसर मिला। मैं केवीके को भी बहुत बधाई देता हूं, यूनिवर्सिटी को भी, आदरणीय सर को भी बहुत बधाई देता हूं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।